हमें हम तो 5 मिनट ट्रैक कर रहा था, पर अभी अभी यहाँ काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ग्रुप देख रहा हूँ। यहाँ जो नेचर के बीच में जो साइड पे नदी की आवाज़, पहाड़ों पे फोग और ये फ्रेश हवा, ऐसा सिर्फ पहाड़ों पे मिलेगा, शहरों पे तो ये मिलेगा नहीं। इसलिए पहाड़ों पे घर होना खुशकिस्मती की बात है, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी तो हर जगह हर किसी का अपना अपना घर है, अब हर किसी का तो हर लोगों का पहाड़ों पर घर तो हो नहीं सकता। यहाँ के लोग खुशकिस्मत हैं ऐसा बोल सकते हैं। तो चलो आज देखते हैं कहाँ जाते हैं, जा पाते हैं। दूर दराज हो रही है मुहब्बता, दूर दराज तू मेरी अखियां बनी, तू मेरी अखियां बनी, माई मेरी सिमले फिरा सम्मा। ये है जी मनाली, गरुड़ हड़म्बा टेम्पल, एक पक्षियों की आवाज के साथ। आज धूप की है ना, तो आँख थोड़ी सी जल रही है, इसलिए मैं गॉगल्स लेके आया था। मैं शायद यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मैं स्कूल टाइम पे आया था, मुझे कुछ कुछ याद आ रही है। कुछ लगभग 8 क्लास में था होगा मैं, तब मैं आया था, तो काफ़ी छोटा था मैं। हाँ एक बात बता, स्कूल टाइम में मैं आया था तो उस टाइम हमारे सर लोगों के गाइड में आया था, मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे। लेकिन अभी मैं पर्सनली आया हूँ, इंडिविजुअल मैं अकेले ही आया हूँ एक फ्रेंड के साथ, तो वह अच्छा लगता है यार ऐसे अकेले घूमने। इन सब पहाड़ों पे मैं फ़ोटो भी लिया था, मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पिछला जन्म याद आ गया। ये देखो सामने से हिडम्बा देवी मंदिर, एक प्राचीन गुफा है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीम की पत्नी हिडम्बा देवी को समर्पित है। यह मनाली में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, इसे ढुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मनाली घूमने आने वाले सैलानियों के लिए यह मंदिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह मंदिर 4 मंजिला संरचना है जो जंगल के बीच में स्थित है। स्थानीय लोगों ने मंदिर का नाम आसपास के वन क्षेत्र के नाम पर रखा है। हिल स्टेशन में होने के कारण बर्फबारी के दौरान इस मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहां जुटते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि हिडम्बा देवी मंदिर में हिडम्बा देवी के पच्चीनों की पूजा की जाती है।
पहाड़ों पे एक चीज़ देखने को कॉमन मिलेगी, वो है शिलाजीत। यहाँ हर दो कदम पे आपको शिलाजीत बेचते लोग मिल जाएंगे। जैसे कि शिलाजीत है ना, इसके कैप्सूल आ रहे हैं डाबर के, बैद्यनाथ के, जंडू के, बाबा रामदेव। छू सकता हूँ? हाँ, इसको तो खाते हैं, इसको कॉफी में, चाय में। और शिलाजीत का देखो ये पहचान है, पूरा बनाई गई पेंटिंग। अरे लाइव पेंटिंग देख रहे हो? सब बनाए भैया। और कौन बनाएंगे? यहाँ पे पेंटिंग है, ये भैया जी ने बनाया, अभी बनाया। आज धूप खिली हुई है भाई, मौसम बहुत अच्छा आज का। ये मनाली का मॉल है। ये सुकून भरा पल मनाली के श्रीलंका गांव के। ये हमारी फ्रेंड, ये एप्पल है यहाँ पर, ये देख लीजिए एप्पल। और ये मैं थोड़ा, ये और मौज रहे, कल भी खाया था, आज भी खा रहा हूँ। वादियों के बीच एप्पल खाने का मजा ही कुछ और है। ये वाली ना मिट्टी है, मीठा है मीठा। चलो जी, हेलो, ये है सेरा। ये पहाड़ी दिखते हैं, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। ये सूर्या पूरे एरिया की रखवाली करता है। हेलो सेरा, कहे अभी कितनी देर पहले क्या बोल रहा था? अच्छा सर, मेरा फेवरेट है, अभी मत कर बोलता है। नहीं, भड़क गया था मैं इसको, तेरा बात। अरे ये चला उधर रखवाली करने।